सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वथे साधिके शरणात्रिम्बते गौरी नारायणे नमस्तुते। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर श्रीवास्तव। सो आप सबको मैं आज धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आप सबकी वजह से ही मेरे वैष्णोदेवी वाले ब्लॉग पर आज के डेट में 1200 से ज़्यादा व्यू है और 100 से ज़्यादा लाइक है। आप सबका लाइक करना और कमेंट करना मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो लाइक कमेंट जरूर किया करो दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। सो वैष्णोदेवी के बाद मैं आप सबको बिहार की माँ आरा में स्थित आरण्य देवी के दर्शन कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊँगा कि आप आरण्य देवी कैसे पहुँच सकते हैं और माता के दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए माता के दर्शन करते हैं। जय माता। बिहार राज्य के भोजपुर जिले में स्थित आरा शहर की माँ माता आरण्य देवी को यहाँ आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। आरण्य देवी का मंदिर शहर के शीश महल चौक से उत्तर पूर्व चौर पर स्थित है। इसी चौक से होते हुए हमें मंदिर की ओर जाना है। माँ का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अब हम सब मंदिर के मुख्य मार्ग पर आ चुके हैं और यहाँ हर साल नवरात्रि में माता की प्रतिमा उठाई जाती है। जब तक यहाँ का पाठ नहीं खुलता तब तक पूरे नगर में कोई भी पंडाल का पाठ नहीं खुलता। मंदिर की ओर जाते हुए आप सब बहुत सारी दुकानें देख सकते हैं जो कि पूजा पाठ की सारी सामग्री बेच रहे हैं। यहाँ पर आप माँ को चढ़ाने के लिए चुनरी एवं प्रसाद भी ले सकते हैं। अब हम सब मंदिर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुके हैं और मंदिर का दृश्य देखते बनता है। मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया है। यहां आप 21 रुपए से लेकर 251 रुपए तक का प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं जो कि माता का जयकारा लगा रहे हैं। तो चलिए हम सभी माता का जयकारा लगाते हैं और माता की पवित्र आरती में शामिल होते हैं। तो जोर से बोलिए जय माता दी। आरती की पूरी तैयारी की जा चुकी है। आरती का समय रात में 8 बजे है।
माँ की आरती, माँ का प्रसाद लेने के लिए भक्तों में हर्ष और उल्लास देखते बनता है। आप सब भी आरती के बाद आरती लें और माँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। आरती के बाद मैं खुद में कुछ नया अनुभव कर पा रहा हूँ और कहते हैं यहाँ माँ के दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के महंत से, इस मंदिर के बारे में मनोज बाबा हमें सब चीज़ बताएंगे, इस मंदिर के इतिहास और सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ अभी इस मंदिर के महंत मनोज बाबा हैं। सबसे पहले तो मैं मनोज बाबा को प्रणाम कहना चाहूँगा और मनोज बाबा इस मंदिर के बारे में बताएंगे हमें। जी, शुरू से हमारे पूर्वजों ने माँ की यहाँ पे पूजा अर्चना की है। अपने पूर्वजों से जितना हमको जानकारी उपलब्ध है वो आप सभी के साथ बीच साझा कर रहे हैं। भारत के 51 शक्तिपीठों में माता सती का जो 51 जगहों पे 51 अंग गिरा है, उसमें माया नितंब माँ सती का ये आरण्य भूमि पर गिरा है, जिस कारण से जो आप दो प्रतिमा देख रहे हैं माँ का, ये छोटी प्रतिमा आदिशक्ति स्वरूपा मानी जाती है, सती का स्वरूप मानी जाती है। आदिशक्ति नाम से संबोधन हम लोग करते हैं, नाम से बुलाते हैं। और जो बड़ी प्रतिमा आप देख रहे हैं वो द्वापर काल में यहाँ पांडव आए थे अज्ञातवास के दौरान, तो धर्मराज युधिष्ठिर जी को यहाँ रात्रि विश्राम किए थे लोग, तब तक वो माँ सिंगल प्रतिमा थी। तो उन्होंने स्वप्न के माध्यम से धर्मराज युधिष्ठिर जी को बताया कि यहाँ पे माँ की स्थापना, हमारी एक बहन की स्थापना की जाए, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर जी की ऋषि जी के द्वारा माँ अरण्य देवी का स्थापना कराया गया। और इन्हीं माँ के परम भक्त थे हमारे मोरध्वज नाम के राजा। ये कथा बहुत प्रचलित है और बहुत से लोग जानते होंगे, जो भी पुराने वर्ग के होंगे चाहे नए वर्ग में, आज तो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से। तो मोरध्वज नाम के जो राजा थे उनके पुत्र की दान की परीक्षा यहाँ चली थी और उनके पुत्र पर आरा चला था। कृष्ण भगवान और अर्जुन जी इस अरण्य भूमि पर आए थे, उनके दान की परीक्षा हुई थी, इसी भूमि पर आरा चला था, जिस कारण से इस शहर का भी नाम आज भी आरा है। इससे पहले आराम नगर था, जिस समय यह त्रेता द्वापर की जब बात हम बता रहे हैं, जब अज्ञातवास चल रहा था तो पांडव जी का, तो उस समय इस जगह का नाम आराम नगर था, लेकिन देखिए उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद इस शहर का नाम आरा हुआ। बहुत से दूर दूर से भक्त आते हैं माँ की पूजा अर्चना करने और माँ की असीम कृपा है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया है। बहुत से भक्त आते हैं बाहर से, विदेशों से भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे। माँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता हैं, यहाँ से कोई निराश नहीं जाता और माँ की कृपा है। तो अभी मनोज बाबा ने यहाँ की कहानी बताई हम सबको, कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो आप भी एक बार अगर आरा आते हैं या फिर आरा से हैं तो एक बार ज़रूर अरण्य देवी आएँ और आपके जो भी मन की मनोकामना है माँ से मांगे, माँ ज़रूर पूरा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब कहते हैं जय माता दी।